साउथ के पॉपुलर कपल समांथा रथ प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक ने सभी को चौंका दिया है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पॉपुलर जोड़ी के रिश्ते का अंजाम इस तरह से होगा। 10 साल की दोस्ती और 4 साल की शादी के रिश्ते का अंत समांथा और नागा चैतन्य ने तलाक के साथ किया है। वैसे देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में बीते कुछ सालों में तलाक का चलन काफी बढ़ा है। कई पॉपुलर जोड़ियां हैं जो तलाक लेकर अलग हो गई हैं। आमिर खान, किरण राव। लिस्ट में पहला नंबर है आमिर खान और किरण राव की जोड़ी का। इस कपल ने इस साल जुलाई के महीने की शुरुआत में तलाक का ऐलान कर तहलका मचा दिया था। आमिर और किरण शादी के 15 साल बाद अलग हुए हैं। हालांकि तलाक के बाद भी इनकी बॉन्डिंग पर खास असर नहीं पड़ा है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान दोनों लद्दाख और कश्मीर में साथ रह रहे थे। ऋतिक रोशन, सुजैन खान। ऋतिक रोशन और सुजैन खान का नाम बॉलीवुड के मोस्ट शॉकिंग डिवोर्स केसेस की लिस्ट में टॉप पर आता है। दोनों ने शादी के 14 साल बाद 1 नवंबर 2014 को अलग होने का ऐलान कर दिया था। इनके तलाक का जिम्मेदार कंगना रनौत के साथ ऋतिक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को माना जाता है। फरहान अख्तर, अधूना भवानी। फरहान अख्तर और अधूना भवानी की लव मैरिज 16 साल बाद 26 अप्रैल 2017 को तलाक के साथ खत्म हुई थी। अधूना और फरहान की शादी के खत्म होने की वजह श्रद्धा कपूर संग फरहान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताया जाता है। मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा शादी के 18 साल बाद अलग हुए थे। 12 दिसंबर 1998 को मलाइका और अरबाज ने लेविश वेडिंग की थी। तलाक से पहले दोनों का रिश्ता बेहद नाजुक दौर से गुजरा था। साल 2016 में इन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। आधिकारिक तौर पर 2017 में इनका तलाक फाइनल हुआ था। पूजा भट्ट, मनीष मखीजा। कई को स्टार्स के साथ नाकाम इश्क की दास्तान लिखने वाली पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा के साथ लव मैरिज की थी। शादी के 11 साल बाद साल 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया था। कीर्ति कुल्हारी, साहिल सहगल। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, मिशन मंगल और पिंक जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी शादी के कॉन्सेप्ट को ओवरडेटेड मानती है। प्रीति ने 24 जून 2016 को साहिल सहगल से शादी की थी। इस साल 1 अप्रैल को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कीर्ति ने अपनी तलाक की न्यूज शेयर की थी। दिया मिर्जा, साहिल सांघा। दिया मिर्जा इसी साल तलाकशुदा बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी के बंधन में बंधी हैं। साल 2019 में दिया मिर्जा अचानक उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर साहिल सांघा के साथ अपने तलाक का ऐलान किया था। दोनों शादी के 5 साल बाद अलग हुए थे। मसाबा गुप्ता, मधु मेंटेना। नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता और मधु मेंटेना की शादी का रिश्ता भी काफी उतार चढ़ाव से गुजरा और अंततः टूट गया। 2 जून 2015 को मसाबा और मधु ने कोर्ट मैरिज की थी। 2018 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी शादी को एक मौका दिया था। हालांकि दोनों के बीच विवाद सुलझ नहीं पाए और दोनों ऑफिशियली बीते साल अलग हो गए। अर्जुन रामपाल, मेहर जैसिया रामपाल। अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया रामपाल की जोड़ी बॉलीवुड के पावर कपल्स में शुमार होती थी। शादी के 20 साल बाद दोनों ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया था। मेहर से अलग होने के बाद अर्जुन विदेशी मॉडल गैब्रियला डिमेट्रियस के साथ लिव इन में रहने लगे। वो एक बेटे के पिता भी बन चुके हैं। हिमेश रेशमिया, कोमल। हिमेश रेशमिया टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर के साथ हैप्पीली मैरिड है। सोनिया हिमेश की दूसरी पत्नी है। हिमेश ने अपनी पहली पत्नी कोमल को शादी के 22 साल बाद साल 2017 में तलाक दे दिया था। रणवीर शौरी, कोंकणा सेन शर्मा। एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी का अलग होना भी सभी को हैरान कर गया था। कोंकणा रणवीर से शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन प्यार का ये खुमार भी जल्दी उतर गया था। दोनों ने साल 2015 में तलाक ले लिया था। अनुराग कश्यप, कल्कि कोकलिन।
अनुराग कश्यप और कल्कि कोकलिन कई सालों से डेटिंग कर रहे थे, जिसके बाद दोनों ने 2011 में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिका। साल 2013 में इनकी शादी खत्म हो गई। मनीषा कोइराला, सम्राट दहल। बॉलीवुड में एक दर्जन से ज्यादा नाकाम लव स्टोरीज जमाने के बाद मनीषा कोइराला ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी। 40 साल की उम्र पार करने के बाद मनीषा ने शादी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरानी फैंस को तब हुई जब शादी के 2 साल बाद ही मनीषा सम्राट से अलग हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।